बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर टू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर टू में आज हम बात करेंगे होमियोस्टेसिस की। चैप्टर नंबर टू जो है हमारा, उसका नाम है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस पिछला चैप्टर जो है वो हमने गैशियस एक्सचेंज के हवाले से पढ़ा था, जबकि ये जो चैप्टर है ये होमियोस्टेसिस के हवाले से है। अब देखना ये है कि होमियोस्टेसिस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है होमियो का मतलब होता है सेम, किसी चीज़ का एक जैसा रहना, किसी चीज़ का एक ही लेवल पर बरकरार रहना, एक जैसा। जबकि स्टेसिस से मुराद है कंडीशंस, कंडीशन, हालत जो है वो हम कह सकते हैं। तो होमियोस्टेसिस से मुराद है सेम कंडीशन, एक जैसी हालत बरकरार रहना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ कंडीशंस मौजूद हैं, एक हमारी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है, उसे हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। उस इंटरनल एनवायरनमेंट को ही हम इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी भी जो हैं वो कह सकते हैं। और एक होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, जिसे हम एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। तो एक हमारी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है, कंडीशंस हैं, और एक बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर की कंडीशंस हैं। अब होमियोस्टेसिस क्या है, इस प्रोसेस को हम जो हैं वो समझते हैं कि होमियोस्टेसिस जो है वो क्या है। तो इट इज़ डिफाइंड एज, व्हाट इज़ होमियोस्टेसिस? इट इज़ डिफाइंड एज द मेंटेनेंस। व्हाट इज़ होमियोस्टेसिस? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस, एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी। जाहिर सी बात है कि जो इंटरनल कंडीशंस होंगी वो बॉडी की होंगी, बॉडी की इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट कंटिन्यूअस changes in external, despite continuous changes in external environment भी आप कह सकते हैं, external conditions भी जो हैं वो हम कह सकते हैं। तो homeostasis क्या है? Homeostasis एक ऐसा process है जिसमें बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं, बॉडी के इंटरनल जो कंडीशंस होती हैं उनको क्या रखा जाता है इस प्रोसेस में, एक ख़ास लेवल पर, इक्विलिब्रियम पर बरकरार रखा जाता है। चाहे बाहर के एनवायरनमेंट में जितनी मर्जी तब्दीलियाँ आती रहें, लेकिन बॉडी के अंदर की जो कंडीशंस हैं वो एक ही लेवल पर जो हैं वो फिक्स रहनी चाहिए। तो होमियोस्टेसिस क्या है? ऐसा अमल जिसमें जिस्म की अंदरूनी हालत को बरकरार रखा जाता है, चाहे बाहर के माहौल में जो मर्जी तब्दीलियाँ आती रहें। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे तो हमें डेफिनेशन मज़ीद समझ आएगी। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल का ज़िक्र करें, एग्ज़ाम्पल में अगर हम ज़िक्र करें, फॉर एग्ज़ाम्पल द कोर टेम्परेचर कहते हैं बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड despite continuous changes in surrounding temperature। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो अंदरूनी टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा 37 ही रहता है, हालांकि बाहर का, हमारे इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर होता है वो मुसलसल तब्दील हो रहा होता है, लेकिन
बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 ही रहता है। तो आप देखिए बाहर की कंडीशंस चेंज हो रही है लेकिन इंटरनल जो कंडीशंस हैं वो एक ख़ास लेवल पर जो हैं वो फिक्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो हमारी बॉडी में इन ब्लड 1 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज इज प्रेजेंट डिस्पाइट हाउ मच फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि ग्लूकोज का जो है वो जरिया होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वी ईट। तो इसको भी अगर हम देखें तो वो कहता है हम चाहे जितनी मर्जी ऐसी फूड ले लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, मींस कि हम ऐसी फूड लेते जा रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगी। कि हम जितनी मर्जी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड इस्तेमाल करते जाएं लेकिन ग्लूकोज की मिकदार 1 ग्राम ही रहेगी। तो बाहर की कंडीशंस चेंज होती रहती हैं लेकिन बॉडी के अंदर की जो कंडीशंस हैं वो एक ख़ास लेवल पर ही फिक्स रहती है। जैसे टेम्परेचर बाहर चेंज हो रहा है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 37 पर ही रखा गया है, मेंटेन रखा गया है। हम चाहे जितनी मर्जी कार्बोहाइड्रेट वाली फूड इस्तेमाल कर लेकिन ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार जो है वो 1 ग्राम ही पर लीटर जो है वो रहेगी। तो होमियोस्टेसिस से मुराद ही ये है कि होमियोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी की इंटरनल जो कंडीशंस होती हैं उनको बरकरार रखा जाता है। चाहे बाहर के एनवायरनमेंट में मसलसल जो तब्दीली आती रहे, बॉडी को उससे सरोकार नहीं है। इस होमियोस्टेसिस का काम बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को बरकरार रखना है, बाहर चाहे जो मर्जी जो हैं वो चेंजेस आती रहें। तो होमियोस्टेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्म की अंदरूनी जो हालत होती है उसको एक ख़ास लेवल पर इक्विलिब्रियम पर जो है वो बरकरार रखा जाता है, चाहे बाहर के बैरूनी माहौल में जो मर्जी तब्दीलियाँ आती रहें लेकिन जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं, जिस्म की जो अंदरूनी हालत है उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में यहाँ पर डिस्कस भी किया। तो इस हवाले से हमें पता चला कि होमियोस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को बरकरार रखता है। अब क्यों रखता है वो? इसलिए क्योंकि जब तक इंटरनल कंडीशंस बरकरार रहेंगी तब तक ही वो जानदार जो है वो ज़िंदा रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी तो पैदा होता है कि होमियोस्टेसिस क्यों ज़रूरी है? तो याद रखें, किसी भी जानदार के ज़िंदा रहने के लिए उसकी इंटरनल जो कंडीशंस हैं उनका सेम रहना, इक्विलिब्रियम में ख़ास लेवल पर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ख़ास लेवल पर नहीं रहेंगी तो वो ऑर्गेनिज्म भी जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकेगा। तो होमियोस्टेसिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार के ज़िंदा रहने के लिए होमियोस्टेसिस इस प्रोसेस का होना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। अब ये जो प्रोसेस है इसमें हमने देखा इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रखी जाती हैं। अब इंटरनल कंडीशंस तो बॉडी में बहुत सारी हैं, टेम्परेचर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इसी तरह बॉडी में साल्ट्स की तादाद हो गई, बॉडी में वाटर की मिकदार हो गई, बॉडी में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 3 ऐसी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार के जिस्म में 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अब उनका वो कैसे मेंटेन रखी जाती हैं? तो बॉडी में जो होमियोस्टेसिस है ये कई टाइप्स की जो है वो होती है। बॉडी में होमियोस्टेसिस कई टाइप्स में मौजूद है। जैसे कि अगर हम होमियोस्टेसिस की फर्स्ट टाइप का अगर हम जिक्र करें, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ होमियोस्टेसिस प्रेजेंट इन आवर बॉडी। नंबर 1 इज ऑस्मोरेगुलेशन। द फर्स्ट टाइप ऑफ होमियोस्टेसिस इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ ओस्मो है, ओस्मो का मतलब ये ओस्मोसिस से लफ्ज़ लिया गया है, ओस्मोसिस से।
और ओस्मोसिस का मतलब जो है वो आप जानते हैं, इट मींस वाटर एंड सॉल्ट्स। तो ओस्मो रेगुलेशन क्या है? ओस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, सॉल्यूट्स भी कह सकते हैं, एंड सॉल्ट्स इन बॉडी। तो ओस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ये होमियोस्टेसिस की एक ऐसी किस्म है जिसका काम बॉडी के अंदर पानी, वाटर और सॉल्ट्स की मिकदार को जो है वो बरकरार रखना है। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है बॉडी की, डैट इज़ वाटर एंड सॉल्ट। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर था, यहाँ पे ग्लूकोज था, इसी तरह यहाँ पर वाटर और सॉल्ट्स। तो बॉडी के अंदर ऐसा प्रोसेस जो बॉडी के अंदर पानी और सॉल्ट्स की मिकदार को मेंटेन रखने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। सेकंड टाइप का अगर हम जिक्र करें, डैट इज़ थर्मो रेगुलेशन, जिसका जिक्र अभी हमने एग्जांपल में भी किया, थर्मो रेगुलेशन। अब यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन जो कि होमियोस्टेसिस की दूसरी किस्म है, थर्मो का लफ्ज़ थर्म से निकला है, थर्म कहते हैं हीट को, हीट कह लें, टेम्परेचर कह लें, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर किस चीज़ को मेंटेन रखना है, टेम्परेचर को। तो थर्मोरेगुलेशन, यहाँ पर जो लफ्ज़ रेगुलेशन है, जैसे कि ऊपर भी इस्तेमाल हुआ, ये रेगुलेटर, रेगुलेट से लिया गया है। जैसे फ़ैन का रेगुलेटर होता है जिसको हम कम या ज़्यादा करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैन की स्पीड एडजस्ट कर सकती हैं, तो रेगुलेशन कहते हैं एडजस्टमेंट को, किसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा होगी तो उसको कम करके नॉर्मल पे लेके आना, कम होगी तो उसको बढ़ा कर दोबारा नॉर्मल पे लेके आना। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है, थर्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस, वट इज थर्मोरेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन बॉडी। तो थर्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका काम बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या रखना है, बरकरार रखना है। तो थर्मोरेगुलेशन, इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन बनाएं, द प्रोसेस विच मेंटेन्स टेम्परेचर इन द बॉडी या टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थर्ड टाइप है, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डैट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होमियोस्टेसिस की जो तीसरी किस्म है वो है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन को इलिमिनेशन भी हम कह सकते हैं। एक्सक्रीशन क्या, याद रखें, हर जानदार के जिस्म में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। तो जब बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस या जब मेटाबॉलिज्म होता है, तो कुछ इस दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी बॉडी में बनते हैं। अब चूंकि ये वेस्ट मटेरियल्स मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बनते हैं, इसलिए इनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम जो है वो देते हैं। आपकी बुक में बॉक्स में बताया गया है कि मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, वो वेस्ट मटेरियल्स जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं। तो मेटाबॉलिक वेस्ट आर दोस वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो वेस्ट मटेरियल्स बॉडी में बनते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर जब बनते हैं, तो इनको फौरन बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स हैं। अगर ये बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनते हैं, तो अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकाले गए, बॉडी के अंदर ही रहेंगे, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बायस जो है वो बॉडी के लिए बनेंगे, जिससे बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो करना पड़ता है। लिहाजा मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जैसे ही मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर बनते हैं, इनको फौरन बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि बॉडी में इनका लेवल ज़ीरो रहे। और यही इनकी, ये भी एक इंटरनल कंडीशन है, मेटाबॉलिक वेस्ट।
जिसको ज़ीरो पे रहना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा अब मेटाबॉलिक वेज को कैसे बाई निकाला जाएगा, होमियोस्टेसिस की तीसरी किस्म के ज़रिए, डैट इज़ एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है, द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें जिस्म के अंदर बनने वाले बेकार मादे जो हैं, बेकार मादों को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो इंटरनल कंडीशन है वो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। तो बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर बनने वाले बेकार मादों को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। ये अपने फेवरेट सेगमेंट की, जिसमें हम पास्ट पेपर्स और प्रेजेंटेशन के हवाले से जो है वो चंद मिनट्स जो हैं वो हम देते हैं। तो पास्ट पेपर्स में अगर हम देखें तो आज जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा उसमें एक एमसीक्यूज आ चुका है, डेट इज़ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कि जिस्म में दर्जा हरारत को बरकरार रखना जो है वो क्या कहलाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, डेट इज़ थर्मो रेगुलेशन, एक होमियोस्टेसिस की वो किस्म है जिसमें जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को जो है वो बरकरार रखा जाता है। तो थर्मो रेगुलेशन जो है वो हमारा आंसर होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो तकरीबन ये होमियोस्टेसिस क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, थर्मोरेगुलेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, जितनी भी आज हमने इंट्रोडक्शन में बात की तकरीबन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस में जो हैं वो आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं होमियोस्टेसिस क्या है इसकी मिसाल दें, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन थर्मोरेगुलेशन में फ़र्क बयान करें, और थर्मोरेगुलेशन जो है वो क्या है। तो इस हवाले से अगर हम पहला क्वेश्चन ले लें तो हमने जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा, जो आंसर शीट होगी हमारी, उसके बिल्कुल सेंटर में हम लिखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, और जो नंबर यहाँ पर दिया गया होगा उसी को हमने यहाँ पे लिखना है। अब तो पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसने पूछा होमियोस्टेसिस क्या है मिसाल दें, तो हमने होमियोस्टेसिस यहाँ पे लिखा। उर्दू वाले जो हैं अल्टीमेटली यहाँ पे ही लिखेंगे और यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है, या तो आप डेफिनेशन का पॉइंट लिखेंगे या आप इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे, दोनों में से एक काम करना है। अब डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा जाता कि आप एक ऊपर पॉइंट लिख रहे हैं फिर उसके नीचे एक और पॉइंट लिखेंगे तो डिफरेंट जो है वो नहीं, वो एक ही जैसे दो वर्ड्स जो हैं वो दिखेंगे। तो बेहतर होता है कि जो डेफिनेशन होती है, जो तारीफ होती है, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाए। उसके बाद हमने मिसाल में एक हमने एग्जांपल दी, दोनों भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। तो एक हमने यहाँ पर एग्जांपल जो है वो दी है, जिसमें हमने देखें जो मेन चीज़ थी कि जिस्म का जो दर्जा रहा 37, उसको हमने मज़ीद हाईलाइट किया है, तो इसको आप मार्कर से जो है वो लिखेंगे। तो इस तरह होमियोस्टेसिस क्या है, तारीफ हो गई उसकी, उसके बाद उसकी मिसाल, एक भी दे सकते हैं, दोनों भी जो है वो दे सकते हैं। बेहतर है कि आप दोनों दें ताकि एग्ज़ामिनर को मौका ही ना मिले कि वो आपके मार्क्स जो हैं वो कट कर सकें।